दिसामल पे डाल दिया है शार्लट फ्लेयर को, बट रिंग के काफी करीब, रोप्स के काफी करीब है वो, बट कार्मेला ने ब्रेक कर दिया है वहां पे उस सबमिशन को। बाप रे बाप, कार्मेला, शार्लट फ्लेयर और बेकी लिंच बहुत ही ज्यादा जी जान लगाते हुए उस टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए जो है आस्का के पास। एक स्मार्ट मूव वहां पे कार्मेला को, शार्लट फ्लेयर को कर दिया है बाहर। यहां पर कंट्रोल लेना चाहेंगी बेकी लिंच के खिलाफ और यहां पर सुपर किक। कार्मेला ने अब ले लिया है कंट्रोल लगातार, हम देख रहे हैं मोमेंटम चेंज होते हुए सबके हाथ में जाते हुए। दिसामत पड़ गया है, यहां से मुश्किल है, मुश्किल है यहां से, शायद बेकी लिंच जा रही है रॉयल रंबल में आस्का के खिलाफ, जीते क्या हारने पता नहीं, यहां जरूर जीतेंगी वो, क्योंकि जिस कदर उनकी अभी फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है तो अब तय हो गया है आस्का के खिलाफ लड़ेंगी बेकी लिंच अपना टाइटल वापस पाने के लिए। अभी फिलहाल स्मैकडाउन लाइव वुमेन्स चैंपियन है आस्का, रॉयल रंबल 3 हफ्ते में हम देखेंगे इन दो जबरदस्त सुपरस्टार्स को भिड़ते हुए आपस में। और देखिए रिंग साइड पे अभी फिलहाल शार्लट फ्लेयर धूल चटा दी उन्हें ऐसा लग रहा है बेकी लिंच ने। बिल्कुल, क्या शानदार जीत यहां पर बेकी लिंच की, किसी करीबी मामला था, कोई भी जीत सकता था वो मैच। ये देखिए रीप्ले, यहां पर बेकी लिंच ने यहां पे डिसआर्मर में डाला था जरूर शार्लट फ्लेयर को, बट कार्मेला ने यहां पे कंट्रोल लिया, कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश की कार्मेला ने, यहां पर एक स्पेयर मिला बेकी लिंच को और फिर यहां पर कार्मेला ने एक सुपर किक देते हुए शार्लट फ्लेयर को किया बाहर, बट इस डिसआर्मर की वजह से बेकी लिंच जा रही है रॉयल रंबल में आस्का का मुकाबला करने और नजरें गड़ा ली है वो स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल की ओर। डायरेक्टली जीत ना हासिल करने के बावजूद शार्लट फ्लेयर के ऊपर बेकी लिंच ने उनके ऊपर ही इशारा किया है कि हरा लिया आखिरकार द मैन। यहां पे ऐतिहासिक वाओ पीयूष, यहां पे ऐलान हो चुका है आस्का के आने का, फेस ऑफ होगा बेकी लिंच द मैन के साथ। नो वन इज रेडी फॉर आस्का, ऐसा कहती है खुद आस्का और बाकी सब WWE यूनिवर्स के मेंबर्स जो उनसे प्यार करते हैं। रॉयल रंबल में अपना टाइटल डिफेंड करने वाली है बेकी लिंच के खिलाफ और आज बेकी लिंच के सामने आ गई है खुद हमारी चैंपियन। देखते हैं वो क्या कहना चाहती है या फिर क्या करना चाहती है। जी हाँ, वो नजरें गड़ाएंगी उनके प्रतिद्वंदी से क्योंकि उनको पता है कि ये तो कोई और लग रहा है, नहीं आज का ही है, आज का ही है। जी हाँ, ये आज का, ये आपकी चैंपियन और ये भिड़ेंगी इस औरत के साथ या कह दो द मैन के साथ बेकी लिंच। दोनों ही बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार हैं। बेकी लिंच ने पूरी तरह नजरें गड़ाई हुई है अभी उस टाइटल के ऊपर, उनका कहना है कि अपना टाइटल वापस पाना ही अभी फिलहाल उनका लक्ष्य बना हुआ है और आस्का दिखाते हुए अपना टाइटल वापस।